चल पहले बता देते हैं, फिर बाद में कुछ बोलेंगे। कहाँ तक बताए थे? 5 तक। छठा? छठे बता दें डायरेक्ट। चलो छठे, लंबा तो लंबे सही। छठा नंबर क्वेश्चन है तो वही मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 या 5 जो भी हो। छठा नंबर क्वेश्चन है, इफ ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई बटा 2x² प्लस 1। अच्छा, इसको ब्रैकेट में कहल गया है इतना। देन प्रूव दैट, साबित करें कि a² प्लस b² बराबर x² प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा में 2x² प्लस 1 के होल स्क्वायर, इतना बताना है। ए और बी निकाल लेंगे कंपेयर करके, बाद में बना लेना। ठीक है, बाद में जब बनवे देंगे तब बना लेना। अभी देख लीजिए, समझ लीजिए। और ऐसे हो, अगर आप कैसे से ना बना लेते हैं ना, तो ई नहीं बनेगा, हो नहीं सकता है। उसमें जितना प्रॉब्लम है उसी में से टोटल उठा के इसमें डालल है, उससे फालतू एनसीईआरटी में नहीं है। अब कैसे सिन्हा टोटल बना लीजिए एनसीईआरटी तो ऐसे भी बन जाएगा। देखो अगर कंपेयर करें तो ए प्लस आई बी, और उधर कंपेयर करना होगा। कंपेयर करें का मतलब है कि ये अलग अलग करना होगा। इतने नहीं है, ध्यान से एक बार हम ही देख लेते हैं। गड़बड़ है कि क्वेश्चन कुछ और था? क्वेश्चन कुछ और है, किताब किसी के पास है? देखो ए प्लस आई बी बराबर एक्स प्लस आई के होल स्क्वायर है, किताब में है होल स्क्वायर, एक बार देख लो। होल स्क्वायर ही है, ये तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और बी मतलब आई बटा, नीचे जैसे है वैसे ही रह देते हैं, नीचे से ही छोड़ देते हैं 2x² प्लस 1। अब अगर कंपेयर करते हैं तो a प्लस आई बी बराबर ax² माइनस 1, अब प्लस में आई बाहर निकाल दिए और इधर बच गया 2x बटा 2x² प्लस 1 ए प्लस आई बी। ये तो पहले से लिखा लेते, जैसे लिखा ले वैसे लिखते चल जाएंगे। उधर नियम कहता है कि अलग अलग कीजिए, मतलब रियल पार्ट को अलग इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो इसमें रियल कौन है? x² माइनस 1 बटा में 2x² प्लस 1, ये अलग हो गया। इमेजनरी पार्ट अलग कीजिए, इसमें इमेजनरी कौन है? x² माइनस 1 तो इधर हो गया, इमेजनरी कौन बचा? आई इंटू 2x बटा में 2x² प्लस 1। यहाँ से समझ में आ गया कि रियल पार्ट कौन है, इमेजनरी पार्ट कौन है, जितना भी पता चला जैसे भी निकला। अब अगर चाहें तो भले डायरेक्ट बना सकते हैं, अब अगर चाहें तो डायरेक्टे बना सकते हैं। डायरेक्टे मतलब ए और बी निकाल के फिर वहाँ पे रखो, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ ध्यान से समझना, हम चाहें तो ए का मान कितना कह सकते हैं? 1 बटा 2x² प्लस 1,
क्योंकि ए है इधर आ इधर, ए मतलब रियल पार्ट, आई रियल पार्ट इतना, बी आई के साथ है मतलब इमेजनरी पार्ट, तो उधर इमेजनरी पार्ट 2x बटा उतना, एक तरीका तो ही है। और दूसरा है कि एजे पे डायरेक्ट आप दोनों तरफ मोड लगा दीजिए, दोनों सही, आप जो बनाना चाहें। फिर से बोलते हैं, एक तरीका है कि ए रियल पार्ट, रियल पार्ट के कंपैरिजन इससे कर लो, आई स्क्वायर की जगह बैठा दो, और बी है इमेजनरी पार्ट निकाल के वहाँ बैठा दीजिए, वैसे बन जाएगा। और एक सिंपल है कि मोड निकाल दो, आप जैसे चाहे वैसे, हम बता रहे हैं दोनों ने। जैसे मान लो अगर कंपेयर करें तो ए बराबर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन अब बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। उसी तरह से अगर बी बराबर सोचते हैं, जैसे कि इमेजनरी पार्ट है, आई के साथ बी है और वहाँ आई के साथ जो भी है, तो बी बराबर कितना हो गया, टू एक्स बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ही हो गया ए, इतना निकल गया बी, तो ए के जगह पे इतना बैठा देंगे और बी के जगह पे इतना बैठा देंगे, जहाँ ए नज़र आता है वहाँ ही वाला बैठा दो, कहीं तो दिखाई दे रहा होगा, बैठाइए। ए स्क्वायर है मतलब कितना का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन अब बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस सब के होल स्क्वायर प्लस बी मतलब टू एक्स बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर अब बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर। ऐसे टाइम की बर्बादी करना है, जो यहाँ है वही वहाँ है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये झूठ मूठ के टाइम बर्बाद हो रहा है। खैर, फोर एक्स स्क्वायर आई हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक लाइन बर्बादे सही। अब बताओ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम दोनों तरफ से अगर देखें तो कह सकते हैं इधर भी वही चीज़ है, उधर भी वही चीज़ है। इसको तोड़िए के लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी, टू एक्स स्क्वायर, उधर से बोलो तो फोर एक्स स्क्वायर, दोनों को हल कीजिए। उससे पहले काम करते हैं, एक्स टू द पावर फोर रहे दो, वन रहे दो, ई बोलो, हाँ प्लस में टू एक्स स्क्वायर बटा में बोलो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर। यहाँ हाँ लिख सकते हैं, अच्छा है तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं, एक्स टू द पावर फोर के हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, आप प्लस वन तो खैर ही है वन के स्क्वायर, और ये प्लस टू, ए मतलब कितना एक्स स्क्वायर है, अब बी मतलब कितना एक, तो एक लिखे चाहे नहीं लिखे, बट मतलब जो ऊपर था वही चीज़ सिर्फ तोड़ के ऐसे लिखे हैं जिनमें समझ में आए, ये है ये है और ये वाला है ये, नीचे कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के, यही तो प्रूफ करना था। तो एक तरीका तो ये हो गया कि ए और बी कंपेयर करके, मतलब इधर रियल पार्ट ए है और उधर रियल पार्ट ई वाला है, इधर इमेजनरी पार्ट बी है और इधर इमेजनरी पार्ट उतना है, तो उसका कंपेरिजन करके। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो दूसरा एक और तरीका था, दूसरा तरीका इधर, हम इतना से आगे बढ़वे नहीं करते, सीधा सीधी जो भी आया है ना इधर लिख देते हैं, ए प्लस आई बी, ये मान लो कि दूसरा तरीका अदर मेथड, दोनों में से जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए, वो तो बनिए गया। एक और तरीका ये भी है कि ए प्लस आई बी जस के तस, उधर जैसे दिखाई दे रहा वो सब लिखो पहले, कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आई इंटू टू एक्स बटा प्लस वन। तरीका मतलब दोनों तरफ
से एक तरीका तो हम बते भी किए, एगो है कि उतना के लिखता है, दोनों तरफ सिंपल मोड लगा दीजिए, टेकिंग मोड बोथ साइड्स, जैसे ही दोनों तरफ मोड लगा देंगे इसका मोड ऑफ मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, सब सब बतवल है, उसका मोड अगर बोले तो अंडर रूट पूरा के रूट हो जाएगा किसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि रियल पार्ट तो यही है, रियल जैसे यहाँ पे रियल पार्ट ये था तो रियल पार्ट का स्क्वायर और फिर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वहाँ पे जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है टू एक्स बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के, देखते हैं ऐसे भी दोनों तरफ रूट है, ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ लिखना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना रूट ख़त्म, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, उस तरफ देखते हैं कितना हो गया, रूट तो ऐसे भी ख़त्म, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर अब बटा में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर प्लस में फोर एक्स स्क्वायर बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर एलसीएम ले लो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर एलसीएम होगा, अब फिर तो वैसे लग रहा है जहाँ से हम शुरुआत किए थे, इधर वाला जैसे चल रहा था फिर वही आ गए हैं, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर फोर, फिर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो वन, अब माइनस में टू ए बी टू ए मतलब एक्स स्क्वायर बी मतलब वन लिखे चाहे नहीं लिखे प्लस ये जो लिखे हैं ना सिर्फ इसको तोड़ कर लिखे इधर से फोर एक्स स्क्वायर, इधर तो खैर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेफ्ट साइड वाला तो ऐसो आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना था वो तो खैर शुरू में आ गया, उधर हल करना है देखते हैं, यहाँ से एक्स टू द पावर फोर प्लस वन चार एक्स स्क्वायर में से दो एक्स स्क्वायर अगर घट भी गया तो घट के दो एक्स स्क्वायर बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर, अब ये पूरा कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के अब बटा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक तरीका ऐसे हो गया दोनों उतने हैं लगभग, इसमें भी तो उतने लंबा जाता है इसमें भी उतने लंबा, जैसे अच्छा लगे बना लो। अगला नंबर क्वेश्चन बना लेना, अपने से बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो फिर एक दो दिन में अपलोड करेंगे वहां से देख लेना, और क्या अब आज बता रहे हैं जाहिर सी बात है कि आज तो अपलोड होगा ना, ये दो दिन बाद ही मिलेगा तुम लोग को। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि लेट, अच्छा सेवन नंबर पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं सही से, क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें दिले है कि मान लीजिए लेट जेड वन बराबर दो माइनस आई मान लेते हैं एंड जेड टू बराबर मान लेते हैं कि माइनस दो प्लस आई, फाइंड निकालना क्या है, निकालना क्या क्या है, तो पहले नंबर में अगर यहीं लिख दे निकालना है रियल पार्ट ऑफ
जेड वन इंटू जेड टू और बटा में जेड वन पे रेकनिंग, ये वाला पहला हिसाब। और दूसरे नंबर में निकालना है इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट ऑफ एक बटा जेड वन इंटू जेड वन पे रेकनिंग, ये वाला हिस्सा। देखते जेड वन कितना ही पता होना चाहिए कि दो माइनस आई है, जेड वन मतलब टू माइनस आई है, जबकि जेड टू मतलब माइनस टू प्लस आई है। और रेकरिंग के मतलब होता है ना कि अगर हम चिन्ह बदलेंगे भी तो दो के आगे वाला ना, मतलब रियल पार्ट के आगे जो चिन्ह है जैसे चिन्ह है वो वैसे ही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं करना। अगर हम साइन चेंज भी करें तो हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी पार्ट के आगे वाला, मतलब आई के आगे प्लस है तो माइनस कर देंगे। यानी जेड टू का अगर रेकरिंग पूछते तब जेड टू के कंजुगेट बोलो, इसका रेकरिंग बोलो तो क्या होता, माइनस दो माइनस आई। अगर जेड वन के कंजुगेट पूछते तो कहते दो प्लस आई, मतलब हमसे अगर चिन्ह बदलेंगे भी तो सिर्फ किसके पहले, इमेजिनरी पार्ट के पहले वाला चिन्ह बदला था अगर कंजुगेट चाहिए तो। कंजुगेट मतलब रेकरिंग, जैसे इसमें दोनों जगह रेकरिंग किस पे, जेड वन, यानी जेड टू के तो खैर टेंशन नहीं है। और जेड वन दिले कितना इसमें देख के बताइए, दो माइनस आई, तो जेड जेड वन पे रेकरिंग कितना होगा, टू प्लस आई। पहले तो इतना मेंटलिटी फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई जेड वन की रेकरिंग कितना होगा। इसके आगे देखो देखिए जी तार वाला झमेला, ये रियल पार्ट तो बाद में निकालना, पहले तो इतना मनी जो है ना पहले यही निकाल के बताइए ना आप, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ये सब तो बाद की बात है, पहले जितना कह रहे हैं उतना नहीं ज्ञात करो। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है इसके हिसाब से जेड वन इंटू जेड टू अब बटा में जेड वन पे रेकरिंग, पहले इतना ने फाइंड कीजिए एक रियल पार्ट इमेजनरी, ये सब बाद में सोचना रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट, पहले जितना जितना वो लिख ले उतना लिखो। जैसे जेड वन यहाँ लिखे हुए तो जेड वन मतलब ढूंढना होगा, यहीं पे कहीं लिखल होगा जेड वन कितना है, दो माइनस आई, तो यहाँ बैठा देंगे दो माइनस आई डॉट जेड टू, तो जेड टू देखेंगे जेड टू कितना है, माइनस में दो और प्लस में आई जितना है लिख दिए, बटा फिर कह रहा है जेड वन पे रेकरिंग। अब जेड वन पे रेकरिंग तो जेड वन है कितना, दो माइनस आई, लेकिन हम दो माइनस आई नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दो प्लस आई। अब पहले इसको सॉल्व करो, क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, पहले यही सॉल्व कीजिए। अब यही सॉल्व कर गए तो जेड वन इंटू जेड टू अब बटा में जेड वन पे रेकरिंग बराबर गुने कर दो। जैसे देखो अगर ये दो माइनस आई है, गौर से देखोगे तो वो भी दो माइनस आई है, ये दो माइनस आई है। और जिसका ठीक ठाक है दसवां तक मैथ पढ़े हो अच्छा से, ठीक ठाक अगर आप पढ़े हैं तो समझ सकते हैं कि भी दो माइनस आई है। कैसे, हम यहाँ से माइनस से कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेंगे तो दो हो जाएगा ऐसे भी प्लस, और जो प्लस में आई है ना वो हो जाएगा माइनस, मतलब चिन्ह में बदल गया, कॉमन कह लिए मत लो कॉमन, बोल मर्जी तो ऐसी गुना कर दो, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि कॉमन लेवे करेंगे, ऐसा कोई लिखित नियम है कि हम कॉमन लेवे करेंगे, आप नहीं लीजिए कॉमन तो हम कह ली। अरे हम तो इसलिए जब मैं टू माइनस आई, टू माइनस आई के डायरेक्ट होल स्क्वायर हो जाएगा, ज़्यादा आसान होगा, इसे गुने करो, आसान और भारी क्या, सब तो एक ही जैसे नहीं, गुना करेंगे तब भी उतने लंबा जाएगा। डायरेक्ट अगर लिखते ना तो हम कहते हैं दो माइनस आई या दो माइनस आई मतलब ए स्क्वायर, तो कितना चार, और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि आई के स्क्वायर, और माइनस में टू ए बी, टू ए मतलब कितना, ये मतलब तो दो है, अब बी मतलब कितना आई, बटा बटा में जितना है दो प्लस आई वैसे ही रह जाएगा, ये जेड वन इंटू जेड टू बटा में जेड वन पे रेकरिंग,
अभी तो सिर्फ यही सॉल्व हो रहा, रियल इमेजनरी तो बाद में देखेंगे, माइनस बाहर रहे दो। ये चार और आई स्क्वायर के वैल्यू ऐसे भी हम जानते हैं, माइनस दो दूनी चार आई बटा टू प्लस आई, कंजुगेट अभी नहीं सोचते हैं बाद में, पहले ऊपर वाला तो सॉल्व हो जाए जेड टू फिर जेड वन पर देखें। अब भले ही अगर हम देखें कि चार है, चार में से एक घट गया तो तीन, लेकिन तीन नहीं लिखेंगे, माइनस तीन, माइनस तीन इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बाहर में माइनस है, जब यही माइनस अंदर भेजेंगे ना तो प्लस में फोर आई अब बटा टू प्लस आई। अब कंजुगेट मल्टीपल करना होगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा, तो ऊपर नीचे किससे गुना, टू माइनस आई से ऊपर भी गुना, टू माइनस आई से नीचे भी गुना, ऊपर गुना कीजिए, तो गुना करना है उससे पहले इसको ब्रैकेट में घेर दो, अगर ब्रैकेट में नहीं घेरेंगे तो कुछ और मतलब निकल जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा कि चार को दो से सिर्फ आप गुना कर रहे हैं, तीन अलगे है आई अल, ऐसे नहीं होता, इसको घेर दीजिए। अब गुना करो, पहले माइनस तीन से, माइनस तीन इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस छः, और यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो प्लस में थ्री आई, उसके बाद फिर चार से गुना कर देंगे, चार दुनी आठ आई, फिर चार से गुना कर देंगे फोर आई स्क्वायर बटा, हाँ डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर मतलब चार आई वाला हो गया आई स्क्वायर, उधर लिखते हैं सामने दिखेगा, इधर लिखते हैं यहाँ छः है, जैसे माइनस छः है अभी फ़िलहाल रह देते हैं कि माइनस छः है, और उधर अगर देखेंगे ना तो माइनस चार लग रहा है, ठीक है माइनस चार है, लेकिन आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन था, इस वजह से ऐसे भी प्लस में फोर, बाकी तीन आई इधर आठ आई उधर, थ्री आई आठ आई दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया ग्यारह आई, और बटा में हाँ डायरेक्ट पाँच कर सकते हो तो चार ही है, और आई स्क्वायर के वैल्यू माइनस वन, यहाँ पहले से माइनस था इसलिए माइनस माइनस, ये ध्यान रहे कि अभी तक हम यही निकाल रहे हैं जेड वन इंटू जेड टू बटा में जेड वन पे, अभी तो हम यहीं अटकल हैं, अभी तो पूरा बनेबो नहीं किए, जेड वन जेड टू जेड वन यही सब चल रहा है, कितना आया जेड वन इंटू जेड टू बटा में जेड वन पे रेकरिंग पूरा सॉल्व करके, तो चार में से अगर छः घट गया तो माइनस में दो और प्लस में ग्यारह आई बटा में पाँच, मतलब जेड वन इंटू जेड टू बटा जेड वन पर रेकरिंग, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ ही गुना भाग करके जितना आया वो लिख दिए हैं, कितना आया बोलो, माइनस दो बटा पाँच और प्लस में ग्यारह आई बटा पाँच, मतलब ये जितना भी आया है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉल्व करके एक कॉम्प्लेक्स दूसरा कॉम्प्लेक्स तीसरा सब मिला के एगो सिंगल कॉम्प्लेक्स आया, अभी सिंगल कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट कौन है, माइनस दो बटा पाँच, इसमें इमेजनरी पार्ट कौन है, तो अगर हम कहते हैं कि जो भी आया है गुना उना करके इसका रियल पार्ट बताए, जेड वन इंटू जेड टू बटा में जेड वन इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट हो जाता माइनस दो बटा पाँच, यही आंसर, अगर पूछता तब अगर कहता कि है जेड वन इंटू जेड टू बटा में जेड वन फिर इसी का इमेजनरी पार्ट बताइए, अगर पूछेगा तब ऐसे पूछ नहीं रहा है, कहेंगे नीचे है ना ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये अलग चीज़ है, इसके पीछे नहीं जाइए, ये अलग चीज़ दूसरा है, इसी में अगर कह देता कि इसी का रियल पार्ट और इसी का इमेजनरी पार्ट, तो इसका इमेजनरी पार्ट हो जाता है ग्यारह बटा पाँच, इतना आंसर, मेरा छाप के भी क्या कर लीजिएगा, समझ में आया है तो अपने से बना लो, नहीं समझ में आया फिर बाद में हिंट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ मतलब अगले बताने जा रहा हूँ, मिटाएंगे अभी हुआ थोड़ा है, अभी दूसरा ये तो पहला सिर्फ है, सात के पहला, ये सात के दूसरा कह रहे हैं आप, सात के दूसरा, इतना नहीं मेहनत है वो आसान है, इससे
जेड वन है, जेड टू पर रख लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा चार एक पाँच। इसमें अगर इमेजिनरी नंबर पूछ रहा है तो जीरो आंसर होगा। काहे होगा, क्यों होगा, अभी तुरंत पता चल जाएगा काहे हुआ जो। इसमें तो डायरेक्ट जीरो नंबर जीरो आएगा इमेजिनरी पार्ट। ए जे से शुरू कर, चलो यहीं से शुरू करते, दूसरा नंबर, दूसरा इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इस सब बाद में सोचना, पहले तो जो है वो निकालिए। मतलब जैसे कह रहा है कि एक बटा जेड वन और फिर उसमें गुना करो जेड वन पर रेकरिंग, तो पहले जेड वन और जेड वन पर रेकरिंग तो ढूंढ ले कितना, से जेड वन कितना दो माइनस आई, तो एक बटा दो माइनस आई लिखेंगे और इसमें गुना किससे कर देंगे, तो जेड वन पे जेड वन के रेकरिंग से, ठीक है गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा टू प्लस आई, गुना करो एक बटा, हाँ डायरेक्ट एकदम चार, और ये वाला आई के स्क्वायर, एक बटा कितना हो गया चार, और माइनस आई स्क्वायर के वैल्यू ऐसे भी माइनस वन, और यहाँ पहले से माइनस है इसलिए माइनस माइनस, एक बटा कितना पाँच, ख़त्म। इसमें तो अगर रियल पार्ट पूछता ना कि आप जो हल किए हैं जेड वन इंटू जेड वन पर देखें इसका रियल पार्ट बताए तो भले होता एक बटा पाँच, यहाँ तो पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, जैसे जिस हिसाब से पूछ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट बताइए एक बटा जेड वन और जेड वन पर देख लेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट जब है ही नहीं तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट इसका, डायरेक्ट जीरो। अब बताइए इसमें बोल देते हैं कि वहाँ तो ढेर दूर हो गया है अब तो वहाँ नहीं बोल पाएंगे, यहाँ कैसे चिन्हा, ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज कैमा है जिसमें गलती हुआ दस दशमलव, क्वेश्चन नंबर 24 गलती हुआ क्या, मतलब हम लिखें क्या है, गलती हुआ है कि पोलर फॉर्म हम लिख दिए हैं कितना मॉड ऑफ जेड एक्स कॉस थीटा प्लस आई वाई साइन थीटा, हाँ ये गलत लिखें क्योंकि इन्हें तो पोलर फॉर्म है ना ही अलजेब्रिक फॉर्म में, बीच में आके अटकल है। जैसे ऐसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है जेड बराबर एक्स प्लस, और हम साबित किए हैं कि एक्स और वाई हटेगा और एक्स के जगह पे आता है, अगर याद होगा तो एक्स के जगह पे आता है मॉड ऑफ जेड इंटू कॉस थीटा, प्रूफ किए हैं। अब यादें नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि अपन गलती यहाँ सुधार लेते, वो गलती हुआ है सही जो होगा ना लिख देते हैं, क्योंकि अब वहाँ तो नहीं जा सकते हैं, उसको एडिट करके कैसे सुधारें, वो हो गया जो हो गया। जैसे x बराबर है तो x के जगह पे लिखा जाता है मॉड ऑफ जेड इंटू प्लस y के जगह पे लिखा जाता है मॉड ऑफ जेड इंटू साइन थीटा, यहीं से होता है कि मॉड ऑफ जेड यहाँ भी और मॉड ऑफ जेड यहाँ भी, आप दोनों जगह से इस जगह से इस जगह से मॉड ऑफ जेड कॉमन लीजिए तो बचेगा सिर्फ कितना कॉस थीटा प्लस में आई, तो होना ही चाहिए था लेकिन हुआ क्या चीज, हमको लगा कि x मतलब लिखा गया होगा, और लिखा गया तो जब फ्लो फ्लो में हम बह गए, अब बह गए तो अब रिटर्न आ भी नहीं सकते, वैसा धारा है अपलोड अपलोड सब हो गया, एजा से x हटाना है और एजा से y हटाना है, क्योंकि x के जगह पे तो हम बैठाए थे कितना मॉड ऑफ जेड इंटू, और y के जगह पे ही तो बैठाए थे मॉड ऑफ जेड इंटू, फिर मॉड ऑफ जेड कॉमन लेके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कौन से फॉर्म है, और हम साबित भी किए ऐसा नहीं कि नहीं प्रूफ कैल है लिखल गलती होगा यहाँ पर, और ये गलती जैसे कि ऐसा ऐसा गलती हम कितना बार करते रहते, ई है इतना में अगर पाँच से गुना करल रहेगा ना जे हमसे गलती हो जाता है, तो सब गलती सुधार लीजिए अपना। खैर हमें यहाँ अपन गलती सुधार दिए, कैसे चिन्ह कॉम्प्लेक्स नंबर
एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 24 में गलती ये हुआ है कि हम एक्स कॉस थीटा लिख दें उसको सुधार के, मतलब वहाँ आप जाके हम सुधार नहीं सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि एक्स और वाई नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा होगा। अब कैसे होगा ये सब हम साबित कर दिए, हो गया था। अच्छा आठवां देख लेते हैं, आठवां को चीज आठवां क्या, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इज द कंजुगेट ऑफ इतना इतना, ठीक है, एक्स और वाई के मान पूछ रहा, ठीक है, इज द कंजुगेट ऑफ इतना, ठीक है, अब बन जाएगा अगला दिन ही। इसे अगर नहीं रह जाते कल बता देंगे कि आधा घंटा हो गया आपका। कंजुगेट मतलब याद रखना कि आयोटा के पहले वाला, मतलब इमेजनरी पार्ट के पहले चिन्ह बदल जाएगा,